जालौन में नगर पालिका द्वारा बाजार में केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देश पर अवैध रूप से पॉलीथीन बेच रहे सामान को लेकर दुकानदारों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। बता दें कि जालौन के जिला मुख्यालय उरई में शासन के निर्देश पर नगर पालिका उरई प्रशासन ने अवैध तरीके से पॉलीथीन में सामान बिक्री कर रहे दुकानदारों पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्यवाही में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानदारों का चालान कर जुर्माना वसूला गया और पॉलीथीन जब्त की गई। पॉलीथीन मिली हमको और आसपास दुकानें जब तक अलर्ट हो गई थी ना, कुछ ना भी गए थे हम लोग, तो ये हमारी कार्रवाई निरंतर चल रही। कल डीएम साहब ने कहा था कार्रवाई को बराबर चलाओ और पॉलीथीन हमारे परिवारों के लिए हमारे सब। जालौन से केकेडी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के काली माता मंदिर के पीछे एक युवक का शव तैरते हुए मिला। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त करने के बाद शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिनाख्त करने के बाद सीओ कोच राहुल पांडे ने बताया कि मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये सुरई चौकी क्षेत्र में एक नहर है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, उसकी पहचान हो गई है। उसको सब निकाल के उसको पंचायतनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे जांच की जा रही है। भाई अच्छा, कैसे हुई है ये पता है कुछ जानकारी? जी हमें कोई जानकारी नहीं है सर, मैं एक्सीडेंट बता रहा हूँ। कब हुआ था एक्सीडेंट? ये परसों के दिन। और लाश आज मिली है? हाँ, लाश आज। क्या लगता है आपको? हमारे वो लगता क्या है सर, अभी एक्सीडेंट हुआ, हमको हमने देख नहीं पाया कैसे क्या हुआ। जालौन से केकेडी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व महापौर प्रत्याशी राहुल सक्सेना ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार ही बनेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। आयोजन और हम लोगों के लिए गौरव का विषय भी है। 19 तारीख को हमें फिर से उनकी शताब्दी मनाने की मौका हमें मिला और एक बड़ी कार्ययोजना समाजवादियों की है। 19 तारीख को हम उन्हें अपने समाजवादी लोग अपने सेलिब्रेट करेंगे। दूसरा, हमारा ये अभियान कल से प्रारंभ हो जाएगा और सबसे पहले हम लोग बनीना विधानसभा को गाँव लोगों तक जाने का काम करेंगे और पैदल चलकर लोगों को अपने एक एक कार्य की जानकारी लोगों को बनाएंगे। झांसी से जिला संवाददाता वासु की रिपोर्ट। मऊ में स्वर्गीय राजीव गांधी फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन घोसी फुटबॉल क्लब के द्वारा जिला स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा आयोजित की जा रही है। इस फुटबॉल स्पर्धा के आयोजक और संयोजक मोहम्मद इस्लामुद्दीन और सचिव मोमिन खान हैं। आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि इस स्पर्धा में 28 टीमें भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 10 नवंबर से 20 नवंबर तक की जाएगी। इस स्पर्धा में विजेता टीम को ₹11,000 का नगद पुरस्कार और उपविजेता टीम को ₹7,000 का पुरस्कार मिलेगा। स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा है, फुटबॉल टूर्नामेंट किया जा रहा है। इसके लिए मैं घोसी फुटबॉल क्लब के आदरणीय भाई इस्लामुद्दीन भाई और मोमिन भाई को, दोनों को बधाई देता हूँ, इनके सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। इंदौर के मऊ से केकेडी न्यूज़ संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। जहां एक तरफ सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने व जनता का मुफ्त उपचार कराने के प्रयास में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग में ही तैनात कुछ कर्मचारी सरकार की इस मंशा पर पानी फेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में जिला अस्पताल में संविदा पर तैनात एक्सरे विभाग में एक कर्मचारी के द्वारा रिपोर्ट लेने आने वाले मरीजों से खुले आम पैसे लेकर रिपोर्ट देता है। आज सोशल मीडिया पे एक्सरे मांगा सर, तो कह रहे थे तो साकल नहीं मिलेगा। हाँ, फिर हम दोबारा गए तो फिर मांगा था, कह रहा था पैसा दो ₹100 जी तब तुमको मिलेगा। एक टीम के सदस्यों ने वहाँ पर जा करके एक वीडियो बनाया पैसा लेते हुए, पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वीडियो देख करके अगर वीडियो में वो सत्यापित होता है तो उसके खिलाफ जो है, मैंने देखा भी, वो संविदा कर्मचारी उसको हटा दिया जाएगा कार से, संविदा कर्मचारी रेगुलर हमारा कर्मचारी नहीं।
लोकेंद्र नाम है, ठीक है, जिसकी आज सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई। जनपद बांदा में खदान अमलोर खंड 7 में गुर्गे चला रहे खदान में 100% ओवरलोडिंग हो रही है। मनमाने ढंग से जलधारा के मध्य से निकाल रहे लाल सोना और नहीं करते हैं किसी प्रशासनिक माननीयों की फिक्र। पैलानी में संचालक के चौकीदार देते हैं पल पल की सूचना। प्रशासन के संज्ञान हो जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी तहकीकात करने नहीं पहुंचा है। सूचना का संज्ञान उपाधिकारी को कराने के बाद भी प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।